हेलो गाइस, मैं हूं आदि फ्रॉम अर्थ 616, लेकर आया हूं आपके लिए कुछ ऐसे डिटेल्स जिन्हें शायद ही आपने देखे और कहीं सुने होंगे। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं डिटेल नंबर 1 पर। तो नो वे होम में हमने देखा था कि वेनम अपनी बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा वहीं छोड़ जाता है उसी यूनिवर्स में। पता है इसके पीछे भी एक वैलिड रीजन है। मूवी में हमने देखा था कि वेनम को मल्टीवर्सल नॉलेज होता है, मतलब वो यूनिवर्स में मल्टीवर्स में हर किसी को जानता है, हर एक चीज की नॉलेज रखता है। और जब वो पहली बार टॉम हॉलैंड को देखता है तब देखकर ही लगता है कि ये कमी ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसने उस छोटे पार्ट को इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो उस यूनिवर्स से कनेक्टेड रहे। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तीर कमान से निकला हुआ तीर और एक इंसान की स्पीड की तुलना की जाए तो कौन जीतेगा, मैं लोकी की बात नहीं कर रहा, टोनी को लेते हैं। सिविल वॉर के इस सीन में हम टोनी को हॉकाई के एरो को हवा में पकड़कर ब्लास्ट करते हुए देख सकते हैं। अगर हम इस सीन को स्लो मोशन में देखें तो हम नोटिस कर सकते हैं कि टोनी ने उसे हवा में ही ब्लास्ट कर दिया है। नंबर 3, तुमने सुना ही होगा कि कैप्टन की वीकनेस उसके लेग्स हैं। इवन थैनोस को भी पता चल गया था ये बात। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर सभी लोग उसके शील्ड पर ही अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसका नीचे का पार्ट एक्सपोज हो जाता है। यानी कि शील्ड सिर्फ अपर बॉडी को कवर करती है, इसलिए उसकी वीकनेस ऑब्वियसली लेग्स ही है। पता है अल्ट्रॉन के मन में भी वांडा के लिए फीलिंग्स थी, और मूवी में भी इसे बहुत बार दिखाया गया था। उसके आखिर के मोमेंट्स में भी वो वांडा के लिए यही बोल रहा था कि वांडा, अगर यहां रहे तो मर जाओगे। और यही वजह है कि विजन के दिल में भी वांडा के लिए फीलिंग्स है, क्योंकि हमें पता है विजन के अंदर अल्ट्रॉन का भी कुछ हिस्सा मौजूद है अभी भी। लेकिन अल्ट्रॉन ने मानवता को मिटाने की सोची, और दूसरी तरफ विजन उसी मानवता के साथ खड़ा हुआ। यही है फर्क दोनों में। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब कैप्टन वर्सेस अल्ट्रॉन का फाइट चल रहा था, तब अल्ट्रॉन कैप्टन पर एक एनर्जी बीम से अटैक करता है, लेकिन उसके बाद भी हम उसके सूट पर कोई भी स्क्रैचेस का निशान नोटिस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये सूट टोनी ने बनाया है। लेकिन वही हम सिविल वॉर में देखें तो टोनी और कैप्टन के बैटल में टोनी भी कैप्टन पर उसी तरह रिपल्सर से अटैक करता है, और हम नोटिस कर सकते हैं कि उसका सूट जल चुका है। भाई टोनी ने सबको कुछ ना कुछ इन्वेंट करके क्रिएट करके जरूर दिया है, लेकिन उसे टोनी के खिलाफ यूज करना बेवकूफी है।